नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, बीपीएससी का एग्जाम तो कैंसिल हो गया था, अभी देखिए फिर सर्टिफिकेट एग्जाम अभी हुआ नहीं है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 2 महीने बाद इसका एग्जाम डेफिनेटली हो जाएगा। आप लोग तैयारी में लगे रहिए, करेंट अफेयर्स को मत छोड़िए, हिस्ट्री को मत छोड़िए, साइंस को मत छोड़िए और आपका बिहार मत छोड़िए। ये सब जो 4 सेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीपीएससी के एग्जाम में। आप बैक ईयर क्वेश्चन को उठा भी देखिएगा तो आपको इसी 4 सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दृष्टि पब्लिकेशन की ओर से बिहार करंट अफेयर्स। टुडे मैगजीन मार्केट में आ गया है और ये जुलाई 2022 का लेटेस्ट है। प्राइस इसका 60 रुपीज़ प्रिंट रेट है, मुझे ये 48 रुपये का यानी कि 48 रुपीज़ का पड़ा है। कहीं कहीं पर 2-4-5 रुपये का अंतर हो सकता है। मुख्य आकर्षण में दोस्तों इस बार इस मैगजीन में लिया गया सामान हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, बेसिक मैथ्स एवं बेसिक रीजनिंग है। परीक्षा से संबंधित टॉपर से बातचीत बताया गया है इसमें। सुर्खियां में इंडोनेशिया को हराकर भारत पहली बार बना थॉमस कप चैंपियन। क्वाड सम्मेलन जो हुआ है जापान के टोक्यो में, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के बीच। क्वाड में चार देश है दोस्तों, ये हमने आपको बता दिया। और 4 भारतीयों को मिला 2022 का पुलित्जर पुरस्कार, किनको किनको मिला है वो देख लीजिएगा आप। दूसरा दोस्तों, सॉल्व पेपर है 67वीं बीपीएससी का और फिर बिहार सीडीपीओ का एग्जाम है, प्रतियोगिता परीक्षा का जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में है। चलिए इसे पलटते हैं और फटाफट इस मैगजीन का एक ओवरव्यू आप ले लीजिए। मेरा प्रयास दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज 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 चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी जो दोस्त हैं उनको भी पता चले। विवरणिका में देख लीजिए दोस्तों, संपादक के कलम से लिखा गया, फिर टॉपर से बातचीत है रितेश कुमार को, इस बार लिया गया। आगामी परीक्षा कौन कौन सी होगी उसके बारे में बताया गया है, परीक्षा की रणनीति बीपीएससी सीडीपीओ का। उसके बाद फटाफट न्यूज में बिहार करंट अफेयर्स, बिहार घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम जो जो हुआ है वो सब इसमें डाला गया है। भारत एवं विश्व में जो जो घटनाएं घटी इंपॉर्टेंट वो सब इसमें डाला गया। फिर आर्थिक घटनाक्रम है, विज्ञान प्रौद्योगिकी ये सब डाला गया। संक्षिप्त है, पर्यावरण में संबंधित जो जो घटनाएं घटी है वो सब। दोस्तों इस बार जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया उसका थीम क्या है मुझे आप कमेंट में बताइएगा। संक्षिप्तियां, फिर करंट अफेयर्स का टेस्ट है, फिर बिहार एक झलक उसका सामान्य परिचय है, फिर एग्जाम पॉइंटर के रूप में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है सभी विषय से। और सामान्य हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, बेसिक मैथ्स है, बेसिक रीजनिंग है, सॉल्व पेपर इसमें है बीपीएससी का है, सीडीपीओ का है, फिर जीके पॉइंटर है, कौन कहां जहां से एक दिवसीय परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कौन क्या कहां। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहां से शुरू हो जाता है संपादक की कलम से और आगे बढ़ेंगे तो फिर यहां पर से टॉपर से बातचीत। बीपीएससी का टॉपर है 2018 में, इनका नाम है रितेश कुमार, इनका यहां पर टॉपर का परिचय है। वीडियो पॉज करके आप इसे चाहें तो आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हम आगे बढ़ेंगे तो फटाफट आप यहाँ फिर आगामी परीक्षाएं कौन कौन सी वो सब यहाँ पर इसमें दिया गया है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, आगामी परीक्षाएं कौन कौन सी है, उसका डेट कब कब है और वो सब आपको यहाँ पर दिया गया है। परीक्षा किस टाइप की होगी वो सब यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर परीक्षा की रणनीति, सीडीपीओ परीक्षा की रणनीति क्या, वो सब यहाँ पर आपको बताया गया है। हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर यहाँ पर फटाफट न्यूज है वन लाइनर के रूप में, फटाफट इसको आप पढ़िएगा तो क्विक रिवीजन अभी आपका हो जाएगा। एक बार में क्विक रिवीजन के लिए 1 महीने का पूरा इसमें इंपॉर्टेंट दे दिया गया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स में क्या क्या घटनाएं घटी है डिटेल में वो सब यहाँ पर डिटेल में बताया गया ताकि आप मेंस में आराम से लिख सकें। और क्वेश्चन अगर मेंस से रिलेटेड है तो वहाँ मेंस में जो लेटेस्ट घटनाएं घटी है वो अगर आप डालिएगा तो आपको स्वाभाविक है कि जो एग्जामिनर है वो आपका मार्क्स ज़्यादा देगा। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम है, ये सब देखते चलिए आप दोस्तों। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आ जाता है, एलिजाबेथ बोर्न बनी फ्रांस की नई प्रधानमंत्री। फिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का क्या स्थिति है और उसके बगल का कौन सा देश का क्या स्थिति है वो सब आपको मिलेगा। फिर संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम क्या क्या हुआ वो सब आप जानिएगा इसमें। भारत एवं विश्व में क्या क्या घटनाएं घटी है वो सब आप देखिएगा। आर्थिक घटनाक्रम में क्या क्या हुआ वो सब आप देखिएगा। फिर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में क्या क्या घटनाएं घटी है ये सब आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों। फिर हम आगे बढ़ेंगे, चर्चित व्यक्तित्व में कौन कौन से हैं वो सब भी देखिएगा यहाँ पर, सब जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में सब दिया गया है। और योजनाएं के बारे में यहाँ पर बताया गया, योजना परियोजना, फिर समिति जो सम्मेलन सब जो हुआ है, क्वाड सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर हुआ है, उसमें क्या क्या अप टू डेट हुआ है, क्या क्या बात हुई है वो सब दोस्तों आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ब्रिक्स के बारे में क्या क्या घटनाएं घटी वो सब यहाँ पर, फिर भारतीय कपास के बारे में बताया गया है, फिर एसएनए डायलॉग जो हुआ है दिल्ली में आपका, फिर नॉर्डिक देश का शिखर सम्मेलन जो हुआ उसके बारे में बताया गया है वो सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर नीचे देख लीजिए, चर्चित स्थल है, फिर तिथि दिवस कौन कौन था इस महीने में था वो सब इम्पोर्टेंट, और शब्द संक्षेप है, फिर पुरस्कार है, सम्मान है। फिर आगे बढ़ेंगे, खेल घटनाक्रम हो गया दोस्तों, फिर विविध हो गया, खेलो इंडिया हो गया, खेलो इंडिया भी चल रहा था, हरियाणा इस बार पुरस्कार जीता है खेलो इंडिया का दोस्तों।
फिर करंट अफेयर्स का आपका साथ में टेस्ट भी है, ये सब यहाँ पर दे दिया गया, उसका आंसर पीछे में दे दिया गया। फिर बिहार का है, बिहार एक झलक मैप के माध्यम से समझाने का, इसमें मैप दे दिया गया, मैप में पूरा बिहार का स्थिति है, ब्यौरा है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, पश्चिम चंपारण के बारे में, जिला के बारे में बताया गया, एक चंपारण, पश्चिम चंपारण की सीमाएं क्या क्या, कौन कौन जिला इससे नजदीक लगता है और यहाँ पर क्या क्या फेमस है। फिर बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, ये सब देखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर कृषि है एवं सहवर्ती क्षेत्र में क्या क्या घटनाएं घटी है, वो सब आपको यहाँ पर पढ़िएगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में क्या रुझान हुआ है वो सब देखेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, डेयरी क्षेत्र में, मत्स्य पालन में, ये सब है आपका बिहार में, डेयरी में, मत्स्य पालन में, बिजली में, उर्वरक में क्या क्या घटनाएं घटी है वो सब आप देखिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार में क्या क्या घटनाएं घटी है, अभी जैसे कि चमड़ा उद्योग के लिए बिहार सरकार एक नीति लाई है, वो सब इसमें दिया गया है दोस्तों, वो सब हम देखेंगे। फिर पर्यटन के क्षेत्र में बिहार में क्या विकास हुआ है वो सब इसमें दिया हुआ है। फिर संचार हो गया, ये सब जो है खाली बिहार का इसमें है, और बिहार में लेटेस्ट चाहे वो पॉलिटी, इकोनॉमी, ऊर्जा क्षेत्र में सब क्या क्या घटनाएं घटी है वो सब देखेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लघु जल विद्युत परियोजना, ये सब है। फिर अभ्यास प्रश्न पत्र दे दिया गया है, विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है, और साथ में इसका आंसर भी यहाँ पर दे दिया गया। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर यहाँ पर आप पढ़िएगा, एग्जाम पॉइंटर के रूप में दे दिया गया है, जैसे कि भारतीय इतिहास से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला गया। फिर आगे कला एवं संस्कृति से, आर्ट एंड कल्चर से। फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये सटा हुआ है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, फिर यहाँ पर जो है दोस्तों, फिर आपका ये फिर भारतीय राज व्यवस्था हो गया, भारतीय राज व्यवस्था, भूगोल, ज्योग्राफी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, फिर अर्थव्यवस्था। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर सामान्य विज्ञान हो गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर में क्या क्या हुआ है, कंप्यूटर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, खेलकूद हो गया और विविध हो गया। फिर यहाँ से सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी का सर्वनाम इस बार दिया गया, सर्वनाम के क्या क्या परिभाषा है, कितने भेद हैं, कहाँ पर सर्वनाम का यूज होगा, वो सब आपको यहाँ पर दे दिया गया, साथ में प्रैक्टिस सेट भी उसका दे दिया गया, सात क्वेश्चन साथ में आंसर भी। फिर यहाँ पर जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश में भी प्रोनाउन लिया गया है, और प्रोनाउन में कैसे यूज होगा, उसका कौन कौन सा भेद है, वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा, और साथ में उसका यहाँ पर प्रोनाउन का चार्ट भी दे दिया गया। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बेसिक मैथ से, बेसिक मैथ पर फिर क्वेश्चन बेस्ड एज है, एज से रिलेटेड एग्जाम है, क्योंकि क्वेश्चन है इसमें, और एज से रिलेटेड क्वेश्चन आज के डेट में तो आपका यूपीएससी में भी, टेंथ में जो सीसैट का एग्जाम होता है वहाँ भी पूछ लिया जाता है, एक से दो क्वेश्चन, और रेलवे और बैंकिंग का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। फिर आगे पढ़ेंगे, ये बैक ईयर का क्वेश्चन दे दिया गया है यहाँ पर, और साथ में उसका आंसर भी दे दिया गया। फिर यहाँ पर बेसिक रीजनिंग है, क्यूब एंड क्यूबॉइड रूप में है, यहाँ पर स्मरणीय तथ्य, ये सब देख लीजिए दोस्तों आप। दोस्तों मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों सॉल्व पेपर है, 67वीं जो एग्जाम हुआ था, जो एग्जाम कैंसिल हो गया था, उस क्वेश्चन दिया गया, साथ में उसका आंसर भी दे दिया गया। 150 क्वेश्चन है, 2 घंटे का समय मिलता है बीपीएससी के लिए, आपको हम बता देते हैं, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। ये क्वेश्चन टोटल देख लीजिए, और इसका टोटल आंसर यहाँ पर 150 क्वेश्चन का 150 आंसर यहाँ पर दे दिया गया, और फिर यहाँ पर व्याख्या भी क्वेश्चन का दे दिया गया, ताकि स्टूडेंट आराम से समझ सकें। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम, फिर यहाँ पर CDPO का जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में भी यहाँ पर दे दिया गया है, बैक सीडी क्वेश्चन, और उसका साथ में आंसर भी, टोटल इसमें भी 150 क्वेश्चन हुआ था, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं था, और इसमें भी साथ में क्वेश्चन उसका आंसर यहाँ पर 150 क्वेश्चन दोस्तों, और 150 आंसर यहाँ पर उत्तर व्याख्या सहित इसमें दे दिया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर यहाँ पर GK पॉइंटर है, जहाँ इस कोना से एक दिवसीय परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा जाता है वो सब यहाँ इसमें दिया गया है, कौन क्या कहाँ ये सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से क्या है, और वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। और इसी तरीके से मैगजीन ख़त्म हो जाता है 106 पेज के साथ। और ये रहा दोस्तों दृष्टि पब्लिकेशन का बिहार का करंट अफेयर्स, तो कैसा लगा दोस्तों जरूर हमें कमेंट में बताइएगा, और फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, जम के पढ़ाई कीजिए।